एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पर हूँ आपको वेस्टीज की 1% पोल जो अभी आई है। मेरे पास बहुत सारे मेरे लीडर्स के फोन आने लगे, फिर मैंने कहा कि क्यों ना पूरे हिंदुस्तान को ये 1% पोल जो मुझे समझ में आता है मैं आपको जरूर समझाऊं। सीधे मैं ले चलना चाहूंगा वेस्टीज के 1% पोल में कि कौन कौन से लेवल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वेस्टीज ने क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है इस 1% पोल में क्वालिफाई होने के लिए। पर माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले एक मिनट की एक बात कहना चाहूंगा आप सबसे कि वेस्टीजियन एज अ लीडर आपको किसी भी तरह के ऑफर की जरूरत नहीं है, पर वेस्टीज चूंकि एक विजनरी कंपनी है तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल रखती है और उसी के लिए वेस्टीज हर टाइम पर एक्साइटिंग ऑफर्स लेकर के आती है जिससे आपका बिजनेस तो बढ़े ही बढ़े, बाकी आपकी डाउनलाइन का भी बिजनेस बहुत आसानी से बढ़े और वो भी ज्यादा प्रॉफिट ले सके। तो सीधे 1% पोल के ऊपर मैं आपको ले चलना चाहूंगा और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो 1% पोल है ये शुरू हो रहा है अप्रैल से और अप्रैल से लेकर के ये 3 महीने की 1% पोल है कंडीशन। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में आपको इस 1% पोल में क्वालिफाई करना है। पर इसकी शर्त आपको समझनी है कि ये जो 1% पोल है, ये 1% पोल आपको कोई भी 2 महीना इन अप्रैल, मई और जून में आपको क्वालिफाई करना है। कौन कौन से लेवल इसके अंदर क्वालिफाई हो सकते हैं एग्जैक्टली? ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हो सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड और क्राउन, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर के क्राउन डायरेक्टर तक इसके अंदर क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? मेंटेन करना है हमें या आपको या तो हमारा बेस लेवल या फिर हमारा हायर लेवल, जो भी लेवल हम मेंटेन करेंगे अप्रैल मंथ के अंदर। जब आप कंडीशन पढ़ रहे होंगे टर्म्स एंड कंडीशन, तो सबसे नीचे दिया हुआ है कंडीशन में कि जो आपका बेस लेवल डिसाइड किया जाएगा वो अप्रैल मंथ के अंदर डिसाइड किया जाएगा। आपका बेस लेवल, आपका लेवल चाहे जो भी हो, पर अप्रैल में जो आप लेवल मेंटेन करेंगे, अगर आप ब्रॉन्ज हैं, अप्रैल में आपने सिल्वर मेंटेन किया तो आपका बेस लेवल सिल्वर माना जाएगा। अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं और अप्रैल में आपने अपना डायमंड या स्टार मेंटेन किया तो आपका बेस लेवल डायमंड या स्टार माना जाएगा। क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स? ओके, उसके बाद वेस्टीज इस 1% पोल के अंदर कोई भी 2 महीना, इन 3 महीने में कोई भी 2 महीना आपको मेंटेन करने के लिए कर रही है, या तो अप्रैल में या फिर मई जून या फिर अप्रैल जून। क्लियर हो गया? या तो अप्रैल में, मई जून या फिर अप्रैल जून। क्लियर? 1% पोल आपको जुलाई में डिक्लेयर किया जाएगा, आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी जुलाई मंथ के पे आउट में वो जुड़ करके आ जाएगा। और ये जो 1% पोल है वो हर महीने 1% वेस्टीज निकालेगी। मैं आपको समझाना चाहूंगा, सपोज करो वेस्टीज का बेनिफिट होता है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ का वेस्टीज निकालेगी 1%, और 100 करोड़ का 1% कितना हो गया 1 करोड़। तो ये अप्रैल में भी 1% निकलेगा, मई में भी 1% निकलेगा और जून में भी 1% निकलेगा। अगर हर महीने 1-1 करोड़ भी निकल रहा है तो टोटल कितने करोड़ निकले? टोटल 3 CR निकला, 3 करोड़ निकला। अब इस 3 करोड़ रुपए को डायरेक्टर बोनस चार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। जो पैसा डिवाइड होगा वो डायरेक्टर बोनस चार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। वेस्टीज ने जो अपनी 2021% पोल अप्रैल की लॉन्च करी है अप्रैल मंथ के अंदर, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लॉन्च किया है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन द डायरेक्टर बोनस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और पे आउट विल बी गिवन ओनली द कंप्लीशन ऑफ क्वालिफायर। जो भी जो पे आउट दिया जाएगा, जो क्वालिफायर इसके अंदर क्वालिफाई करेंगे उनको ही पे आउट दिया जाएगा। मैक्सिमम पे आउट की जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए, यानी कि हम में से हर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम 1% पोल में एक्स्ट्रा पैसा, मार्केटिंग प्लान के पैसे के अलावा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता है। और जो पैसे हमें आएंगे वो जुलाई मंथ के पे आउट में जुड़ करके हमारे खाते में आएंगे जुलाई महीने के अंदर। और तो बेस मंथ हमारा होगा वो होगा अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ ही हमारा बेस मंथ होगा। हम जो लेवल मेंटेन करेंगे अप्रैल में उसी लेवल को हमारा बेस लेवल मान लिया जाएगा। अब अगर हम क्राउन डायरेक्टर हैं, मैं ऐसे समझाता हूं, तो हमारा क्राउन डायरेक्टर का लेवल अगर अप्रैल में मेंटेन हो जाता है क्राउन का ही, तो हमारा बेस लेवल क्या हो गया? क्राउन। पर अगर क्राउन से हम अप्रैल में अपना लेवल मेंटेन करते हैं डायमंड
या फिर हम मेंटेन करते हैं स्टार, तो हमारा लेवल क्या होगा? अगर हमने स्टार मेंटेन किया तो हम तो ऐसे तो हम रहेंगे क्राउन, लेकिन हमारा लेवल क्या माना जाएगा 1% पोल के लिए? वो माना जाएगा स्टार का या डायमंड का, जो भी। अगर हम सिल्वर मेंटेन करेंगे क्राउन बनने के बाद भी, तो हमारा बेस लेवल क्या माना जाएगा? सिल्वर डायरेक्टर। क्लियर हो गया? अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है और कितनी आसानी से। लोगों को लग रहा होगा कि ये जो एक्सक्लूसिव दिया है वेस्टीज ने वो ज्यादा दिया है, पर आप ये देखिए कि ये जो एक्सक्लूसिव पॉइंट वैल्यूज करने हैं आपको, वो 3 महीने का एक्यूमुलेशन करते हुए करना है, मतलब जुड़ते हुए क्रम में करना है। मतलब कि यहां पर वेस्टीज ने दिया है ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर के क्राउन डायरेक्टर तक का, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, याद रखिए कोई भी 2 महीना मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, उनका मिनिमम अपनी टीम होती है और उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है? इस ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर कोई मान लो कोई 17% का बंदा है, या कोई बंदा इसी महीने डायरेक्टर बन जाता है, तो वो इसमें क्वालिफाई हो जाएगा, उसका बेस लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया ना। मान लो कोई भी बंदा ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं है अभी, पर अगर वो अप्रैल में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है, तो उसका बेस लेवल क्या बन गया? अप्रैल में ब्रॉन्ज बन गया। तो अगर कोई नहीं भी है तो वो भी हिस्सेदारी ले सकता है, और जो ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वो तो आसानी से ले ही सकता है इसके अंदर। तो अब अगर इन्होंने अपना पहले महीने ही अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर कर लिया, फास्ट स्टार्ट 8% फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कर गए, तो इन्होंने इनको टोटल जो एक्सक्लूसिव करनी है, इन्होंने पहले महीने किया 7501 पॉइंट वैल्यू। अब 7501 पॉइंट वैल्यू पहले करके ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गए, अगले 2 महीने में ये 1-2000 पीवी कर ले अपना क्वालिफिकेशन, या 3000 कर ले, इनको टोटल मिला करके 8500 पॉइंट वैल्यू करनी है, ये अपना क्वालिफाई हो जाएंगे एक्सक्लूसिव। मतलब इसमें से कोई भी टीम आपकी 20% टीम नहीं होनी चाहिए। अगर अब समझते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाला बंदा है जो ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाइड है, तो अब उसकी टीम है, अब ये क्वालिफाई है, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, ये क्वालिफाई है, तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना करना होता है? 2001 पॉइंट वैल्यू। तो अगर वो 3 महीने अपना 2000 ही करे, नॉर्मल हम लोग करते ही है, करवाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? गुणे 3 कर लो तो टोटल पीवी आ गई हमारी 6000। वेस्टीज इसमें क्या कह रही है? सिर्फ 2500 और एक्स्ट्रा कर लीजिए, टोटल कर लीजिए आप 8500 पॉइंट वैल्यू, हम आपको 1% पोल में हिस्सेदारी दे देंगे। कितना आसान कर दिया। अब ये 8500 पॉइंट वैल्यू आपको 3 महीना जुड़ते हुए क्रम में करना है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल में आपने कर लिया 3500 पॉइंट वैल्यू, मई में आपने कर लिया 3000 पॉइंट वैल्यू, और जून में आपने कर लिया सिर्फ और सिर्फ 6500, सिर्फ 2001 पॉइंट वैल्यू। तो फाइनली आप कहां पहुंच गए? 8501 पॉइंट वैल्यू आपका हो गया, और आप हिट कर गए 1% पोल। देखो ना कितना आसान है। अगर हर महीने बिजनेस रिड्यूस भी हो रहा है, तो भी एंड ऑफ द मंथ जाते जाते आपने 8500 पॉइंट वैल्यू हिट कर दिए। ऐसे ही करके अगर आप चाहें तो सिंगल मंथ में भी कर लीजिए। सिंगल मंथ मतलब कोई भी 2 महीना क्वालिफाई करना पड़ेगा फ्रेंड, जहां तक कि मैं समझ रहा हूं। क्लियर हो गया? ब्रॉन्ज डायरेक्टर 8500 पॉइंट वैल्यू एक्सक्लूसिव। अब एक शर्त आती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर की, कि मान लो उसके नीचे कोई बंदा एक डायरेक्टर हो गया, आपने पहले महीने अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर पर किया था, पहले महीने आपने कर लिया था ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, पहले महीने आपने कर लिया था 4000 पॉइंट वैल्यू पूरी टीम से मिला करके, दूसरे महीने आपके नीचे कोई बंदा ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया, अब वो चाहे आपको एलओबी दे या नॉर्मल क्वालिफिकेशन करे, अगर एलओबी दे या नॉर्मल क्वालिफिकेशन करे, आपका लेवल चेंज होकर के हो जाएगा वेस्टीज में सिल्वर, पर 1% पोल के लिए आप क्या रहेंगे? ब्रॉन्ज डायरेक्टर ही। तो आपका जो एक्सक्लूसिव होगा वो दूसरे महीने से सिल्वर का नहीं चलेगा, वो ब्रॉन्ज वाला ही चलेगा आपको। यानी कि टोटल एक्सक्लूसिव जो करना होगा वो कितना करना होगा? 8500 पॉइंट वैल्यू ही करना होगा। मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया। नहीं कंफर्म हुआ है, अपने सीनियर से जरूर बैठ करके पूछिएगा। ओवरऑल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिल्वर डायरेक्टर की। सिल्वर डायरेक्टर के नीचे क्या होता है? एक व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता है।
सिल्वर डायरेक्टर के लिए शर्त क्या है कि सिल्वर डायरेक्टर को एक एलओबी लेनी है, कोई भी 3 महीने में एक बार एलओबी लेनी है। मतलब अगर सिल्वर डायरेक्टर अप्रैल महीने में 2001 पीवी करता है और साइट से अपना 1801 पीवी करता है, ठीक है, तो मैं इसको 1800 नहीं लेकर के चल रहा हूं समझाने के लिए, कैलकुलेशन समझने के लिए। मान लो 2000 पीवी ये कर रहा है साइड अपना, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। यही होता है एक्सक्लूसिव, जो नॉन 20% टीम से होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो अगर इसने 2001 किया और आपने 2000 साइड से किया, तो पहले महीने अगर अप्रैल में आपने किया तो आपका बेस लेवल क्या हो गया, आप ब्रॉन्ज थे, आपके नीचे कोई एक ब्रॉन्ज आया, आप सिल्वर हो गए। तो अब अप्रैल में आपका जो बेस लेवल हो गया वो क्या हो गया, सिल्वर, क्योंकि बेस लेवल डिसाइड किया जाएगा वो सिल्वर अप्रैल मंथ से ही डिसाइड किया जाएगा। तो अब आपने 2000 पीवी करे, अब दूसरे महीने भी ये अप्रैल था आपका, अप्रैल में आपने ये कर लिया। अब जून में भी आपने क्या किया, 2000 पीवी ही किया, सॉरी मई में भी आपने क्या किया, मई में भी आपने कितना किया, 2000 पीवी ही किया। और 2000 पीवी ये ले लो, ये हो गया अप्रैल और ये हो गया मई, मई में भी आपने 2000 पीवी कर ली। अब सिंपल सा, कंपनी कह रही है सिर्फ एक एलओबी लेनी है सिल्वर डायरेक्टर को, कितनी, सिर्फ एक। अब यहां से आप जून में, मान लो अभी सारी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, उतना हम फील्ड में नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन लोग बिलिंग नहीं कर रहे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो मेंटेन कर लो, जून में तो मौका मिल ही जाएगा, जून तक तो सब कुछ सही हो जाना है, गिरी पड़ी हालत में सही होना है। एलओबी लगा ली जून में, और ये जो 2000 पीवी किया हुआ था इसका आपको सिल्वर डायरेक्टर पर कह रही है कंपनी कि भाई वैसे भी तो आप करोगे ही करोगे, 2000 पीवी तो हमें साइड मेंटेन करनी है, 1800 में मिनिमम 2000, मतलब एवरेज समझाने के लिए 2000 लेके चल रहा हूं, तो 2000 किया ही किया, टोटल कितना हो गया आपका तीसरे महीने 6000। इसमें कंपनी कितना कह रही है बढ़ाने के लिए, सिर्फ 500। अब अगर इसमें मैंने 200 एक्स्ट्रा रखा है तो वो 200 एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए भैया, आप 600 यहां कर लीजिए, टोटल 1100 कह रही है बढ़ाने के लिए। यानी कि ओवरऑल आपको कंपनी जो कह रही है वो कह रही है 6500 पीवी आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिव करना है ऑन द लेवल ऑफ सिल्वर डायरेक्टर। 3 महीने मिला करके कोई भी एक महीने में आप एक ले एलओबी कर लीजिए, और ये जो एक्यूमुलेशन के साथ जुड़ते हुए क्रम में 6500 पीवी कर लीजिए नॉन 20% टीम से, तो सिल्वर डायरेक्टर पर आप 1% पोल में बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात आती है गोल्ड डायरेक्टर्स की, थोड़ा सा गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर मैं आपको ले चलूं, हालांकि गोल्ड डायरेक्टर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, ज्यादा समझना है डायमंड डायरेक्टर वालों को, जितने भी डायमंड डायरेक्टर हैं। गोल्ड डायरेक्टर, गोल्ड की कितनी टीमें होती है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 2 टीमें होती हैं, और एक गोल्ड जो साइड करता है वो मिनिमम कितना करता है, 1500 एक पॉइंट वैल्यू करता है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर के लिए कंपनी ने शर्त रखा है क्या, गोल्ड के लिए, ब्रॉन्ज के लिए रखा है 8500 पॉइंट वैल्यू एक्सक्लूसिव, सिल्वर के लिए एक एलओबी रखी है। एक्सक्लूसिव कितनी रखी है यहां मैं बता दूंगा, गोल्ड के लिए रखी है 3 एलओबी, और स्टार के लिए रखी है 6 एलओबी, डायमंड के लिए रखी है 9 एलओबी, और क्राउन के लिए रखा है 12 एलओबी। यहां पर थोड़ा सा क्लियर हो गया आपको। अब गोल्ड पे क्या करिए, कोई भी 3, अब मान लो पहले महीने में अप्रैल है, अप्रैल तो थोड़ा सा क्रूशियल चलेगा क्योंकि ड्यू टू कोरोना, राइट, तो अप्रैल में मान लो आपने क्या करा, अप्रैल में आपने गोल्ड डायरेक्टर ही मेंटेन किया, मिनिमम 2001 कर लिया, आपका बेस लेवल क्या हो गया, गोल्ड हो गया। अगर आप गोल्ड थे और आपने सिल्वर लेवल मेंटेन किया है तो फिर सिल्वर वाला बेस लेवल चलेगा जो इससे पहले बताया था आपको। अगर आप गोल्ड है लेकिन अप्रैल में By default, due to corona, आपका जो बेस लेवल था वो मेंटेन हो गया सिल्वर, आप रहेंगे वेस्टीज में गोल्ड ही, लेकिन 1% पोल के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा लीडर्स वो होगा सिल्वर, सिल्वर लेवल ही आपका बेस बनेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की। तो गोल्ड अगर पहले महीने क्वालिफाई कर गए, चलो इनका एक्सक्लूसिव हो गया 1500, दूसरे महीने आपको क्या कर लीजिए, दूसरे महीने मई में, तब तक थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाएगा कोरोना का इशू, एक लेग से एलओबी लगा लो, ये हो गया आपका अप्रैल, ये हो गया आपका मई, मई में एक लेग से एलओबी लगा लो और यहां से कर लो 2001 पीवी, इसको पॉइंट वैल्यू लिख लो, और यहां पर फिर ये हो गया अप्रैल,
और यहां पर फिर कर लीजिए 1501 पॉइंट वैल्यू, ये हो गया मई। अब जून तक तो सब कुछ सही हो जाएगा, पूरी टीमें रिदम में होगी, वैसे भी जूम में हम लोग पूरी टीमों को रिदम में ला ही चुके हैं जूम मीटिंग्स के ऊपर। तो अब क्या कर लेना है कि अब जून में क्या करना है आपको, एक एलओबी आपकी काउंट हो गई, वन एलओबी आपका हो चुका है, तीन एलओबी करनी है। अब जून में क्या कर लीजिए, इस लेग से भी एलओबी कर लीजिए और इस लेग से भी एलओबी कर लीजिए, तो दो एलओबी हो गई। टोटल कितनी एलओबी हो गई, तीन एलओबी हो गई। उम्मीद मत खोना कि कोरोना का इश्यू चल रहा है तो कैसे होगा, बहुत आसान है, एकदम हो जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अपना 100% देना है, 1% पोल हर एक व्यक्ति क्वालिफाई करेगा, हर एक व्यक्ति, राइट। तो अब ये तीन एलओबी हो गया, एक्सक्लूसिव कितना करना है, अब आपका 1501 पीवी फिर होता है जून में, क्योंकि इतना तो मेंटेन करना ही करना है। या तो कोई दो महीने में कर लो यार, तो दो महीने में थोड़ा सा प्रेशर आपको पड़ेगा, पर तीन महीना लेकर के चलेंगे एक्यूमुलेशन होते हुए तो प्रेशर नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। तो टोटल आपने कितनी पीवी कर ली, मोटा मोटी 4500 पॉइंट वैल्यू आपने कर लिया। वेस्टीज कितना कह रही है करने के लिए गोल्ड डायरेक्टर को, 5500। तो सिर्फ 1000 पॉइंट वैल्यू और एक्स्ट्रा बढ़ाना है तीनों महीने में मिला करके, मतलब 320-30 पीवी भी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये 1000 पीवी एक्स्ट्रा हमारा हो जाएगा, और टोटल हमारा 5500 पीवी हमें एक्सक्लूसिव में चाहिए गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पर 1% पोल में जाने के लिए। मेरी उम्मीद से आपको गोल्ड डायरेक्टर का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलूंगा स्टार डायरेक्टर के पोजिशन पर। स्टार डायरेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, स्टार की तीन लाइनें होती हैं और मिनिमम साइड उनका होता है 1000, एक पॉइंट वैल्यू इसको मान लेते हैं अप्रैल में उन्होंने किया। एक गोल्ड डायरेक्टर जो स्टार डायरेक्टर को करना है वो कितनी एलओबी लेनी है, 6। मान लो पहले महीने आपने क्या किया, एक लेग में कोई एलओबी ले ली अप्रैल में, एक लेग में एलओबी ले ली, ये है आपका अप्रैल, एक लेग में एलओबी ले ली 2001 पॉइंट वैल्यू, 2001 पॉइंट वैल्यू, और ये अप्रैल का आपका हो गया। अब आप क्या करिए मई के अंदर, मई में एक काम कर लीजिए, मई में कोई दो लेग से एलओबी ले लो, तब तक अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वही बात समझो, माहौल अच्छा हो जाएगा, और 2001 पीवी कर लो यहां पर मई में, और यहां पर फिर 1000 पीवी आपने साइड कर लिया मई में, 2000 पीवी एक्सक्लूसिव, ये आपका एक्सक्लूसिव चल रहा है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, जो नॉन 20% टीम से होती है या सेल्फ आईडी मिला करके होती है, क्लियर। और ये हो गया आपका मई। अब आते हैं हम जून में, जून में क्या कर लीजिए, तीन एलओबी हो गई ना आपकी, एक एलओबी ये हो गई, एक ये हो गई, एक दो ये हो गई और तीन ये हो गई, ऐसे समझो। अब लगातार जून में आप तीनों लेग से एलओबी मार दीजिए, तब तक सारी टीमें आप रिदम में ला लेंगे, तो ये हो गई चौथी एलओबी, ये हो गई पांचवी एलओबी और ये हो गई कौन सी एलओबी, छठवीं एलओबी। टोटल 6 एलओबी ले लिया कि नहीं ले लिया स्टार पे। अब एक्सक्लूसिव कितना करना है स्टार पे, बहुत आसान है, एक्सक्लूसिव करना है स्टार पे महज 4000। तो ये आपका ये मई है और 1001 पॉइंट वैल्यू आप करेंगे जून में, तो ये टोटल आपने कितना कर लिया, 3000 पीवी तो कर ही लिया, कंपनी कितना कह रही है 1000 और बढ़ा लीजिए, टोटल आपकी पीवी कितनी आ गई 4000, हो गया आपका क्वालिफिकेशन स्टार डायरेक्टर पे, क्लियर। अब अगर आपने इस महीने स्टार डायरेक्टर का लेवल मेंटेन किया तो आपका बेस लेवल स्टार होगा। अगर आप स्टार डायरेक्टर हैं लेकिन आपने गोल्ड डायरेक्टर मेंटेन किया या सिल्वर, तो पिछला वाला आप अपना बेस लेवल पकड़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको करना है, क्लियर। आगे बढ़ते अब हम बात करेंगे, इसको मैं लिखे रहने देता हूं, अब हम बात करेंगे डायमंड डायरेक्टर की। डायमंड की कितनी लाइनें होती है माय डियर फ्रेंड्स, 4। अब इसको थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं, एक डायमंड की 4 लाइनें होती हैं। डायमंड पे कितना करना है आपको, डायमंड पे टोटल वेस्टीज ले रही है 9 एलओबी आपको देने ही देने हैं डायमंड लेवल पर 1% पोल में आपको जाने के लिए। क्या करना है देखो, डायमंड में कोई दो महीने में नहीं कर पाएंगे आप, हाँ एक शर्त है, एक शर्त है कि आप पांचवी लेग भी लेकर के चलिए, लेकिन नॉर्मली आदमी कितना लेके चलता है अपना 4। तो अब इसमें क्या होशियारी आप कर सकते हैं, आप सिंपल सा लेकर के चलिए कि पहले महीने आप अपना किसी भी तीन लाइन में एलओबी लेके चलिए, एक डायमंड और एक लाइन में 2001 पीवी। अगर आप डायमंड हैं और डायमंड ही आपका बेस लेवल बन रहा है अप्रैल में, तीन लेग एलओबी ले लीजिए, एक लेग क्वालिफिकेशन कर लीजिए और 501 पीवी आपका अप्रैल में साइड हो गया। तो 1 2 3 ये हो गया आपका अप्रैल,
ये हो गया, हो गया आपका अप्रैल, ये एक एलओ भी हो गई, ये दो और ये तीन, टोटल कितनी चाहिए? नौ। जून में क्या करना है, जून मई में क्या करना है, मई में यही तीन एलओबी आपको फिर कंटिन्यू रख लेनी है, यानी कि मई में भी एलओबी यहां से लगा लेना है, ये भी एलओबी लगा लेना है और ये भी एलओबी लगा लेना है, और यहां पर फिर नॉर्मल क्वालिफिकेशन आपका 2001 PV आपको कर लेना है, और मई में आपका जो साइड वॉल्यूम है एक्सक्लूसिव नॉन 20% टीम वो कितना करना है, 500 1 PV ही करनी है। अब देखो एक दो तीन एलओबी हो गई, अब ये कौन सी हो गई, चार, ये हो गई पांच और ये हो गई छह, चाहिए कितनी हमको टोटल डायमंड पे, नौ। अब हमें तीन और चाहिए, तो अभी हम क्या करना है, अब जून में क्या करना है, हमें यहां पर कोई भी तीन लेग वापस से अपना वही एलओबी लेके चल लेना है, मतलब अगर हम तीन लेग भी एलओबी लेकर के चले तो हमारा वो नौ वाला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, या पहले महीने आप चार कर लीजिए, दूसरे महीने आप तीन कर लीजिए, चार तीन कितने हो गए, सात, और तीसरे महीने आप सिर्फ दो कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको आसान कैसे कर सकते हैं, मान लो आप डायमंड लेवल मेंटेन कर रहे हो, इसको देखो हम आसान कर दे रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अभी अप्रैल में तो तीन लेग एलओबी करना, एक डायमंड अगर मजबूत टीम नहीं बनाया है तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो अप्रैल में क्या कर लीजिए, कोई भी दो लेग एलओबी ले लीजिए और दो लेग नॉर्मल क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है, जो समझना है डायमंड को समझना है बहुत ज्यादा। अब आपकी कितनी एलओबी हो गई, 1 2 एलओबी हो गई, टोटल चाहिए कितनी, 9, ध्यान देना, और अपना ये साइड आपका हो रहा है अप्रैल में 501 कर लिया। अब मई में क्या करो, मई में कर लो आप तीन लेग एलओबी, तब तक थोड़ा माहौल सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो मई में क्या कर लीजिए, एलओबी यहां से, फिर एलओबी यहां से, दूसरी लाइन से और तीसरी लाइन से भी एलओबी लगा लीजिए, तो ये हो गई आपकी एक दो हुई थी, ये तीन एलओबी हो गई, ये चार और ये कितनी हो गई, पांच, और ये नॉर्मल आपने 2001 PV क्वालिफाई कर लिया, मई में भी आपने अपना एक्सक्लूसिव 501 सेल्फ या साइड मिला करके आपने कर लिया। अब जून तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एकदम आसान, तो आप क्या कर लेंगे, जून में आपने किया चारों लेग में एलओबी लगा दी, यहां पर भी एलओबी, यहां पर भी एलओबी, इस वाली लाइन में भी एलओबी और इस वाली लाइन में भी एलओबी, तो यहां एक एलओबी दो एलओबी हो गई थी, ये तीन अप्रैल में तीन हुई और चार हो गई अप्रैल में, और जून में सॉरी अप्रैल में एक दो हुई थी एलओबी, और मई में हो गई थी तीन चार, और जून में हो गई पांच छ सात, एक दो तीन चार पांच, सॉरी मई में पांच हो गई थी, ठीक है, तीन लेग एलओबी, और यहां पर हो गया छह, ये हो गया सात और ये हो गया आठ और ये हो गया नौ, फाइनली आप हिट कर गए, जून तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और जून में आपने 501 पीवी किया, तो आपका टोटल पीवी आ गया डायमंड पे कितना आ गया, 1503 पीवी आपको आ रहा है एक्सक्लूसिव, और करना कितना है एक्सक्लूसिव डायमंड को, डायमंड को एक्सक्लूसिव करना है माय डियर फ्रेंड्स 2500, तो इस 1500 में सिर्फ 1000 पीवी और बढ़ाने के लिए व्यस्ती, यानी कि हर लेवल पर जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें 1000 पीवी लगभग लगभग बढ़ाने की बात कर रही है, 1100 पीवी बढ़ाने की बात कर रही है वेस्टीज, टोटल हो गया आपका 2500 पीवी, और फाइनली आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने डायमंड लेवल के साथ 1% पोल में क्वालिफाई कर जाएंगे, और माय डियर फ्रेंड्स अगर इस स्ट्रक्चर के साथ डायमंड कर भी जाए ना तो बहुत अच्छा पैसा वो निकाल सकते हैं 1% पोल के अंदर। अब बात आती है क्राउन डायरेक्टर्स की, और मेरे ख्याल में क्राउन डायरेक्टर्स को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राउन डायरेक्टर ऑलरेडी समझते हैं कि उनको इसके अंदर कैसे करना है, पर फिर भी मैं चूंकि क्राउन डायरेक्टर हूं, मैं मेरे लिए ही एक बार समझने की कोशिश करता हूं, और मेरे माध्यम से बहुत सारे मेरे क्राउन डायरेक्टर लीडर समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो क्राउन डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या होता है, मैं आपको ले चलता हूं, एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं पूरी तरह से। हम एक क्राउन डायरेक्टर हैं, हमारी छह लाइनें होती हैं, छह लाइनें हो गई। अब छह लाइनों में हमारे को कोई साइड नहीं करना, तो हम यहां अप्रैल लिखेंगे, हमें वैसे तो कोई नहीं करना होता है, लेकिन हम फिर भी लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक्सक्लूसिव 1500 करना है मई और जून। हमें टोटल एलओबी मांगी है वेस्टीज ने हमसे 12 एलओबी हमें देना है। अब हम क्या करेंगे,
या तो पहले ही महीने हमने क्या कर लिया, अब चूंकि अगर हमने अप्रैल में एज अ क्राउन अपना लेवल क्राउन मेंटेन रखा तो हमारा बेस लेवल क्या होगा, क्राउन डायरेक्टर। और अगर अप्रैल में हमारा मतलब बाय डिफॉल्ट या थोड़ा मंथ दिक्कत वाला चल रहा है, तो अगर अप्रैल के अंदर हमारा ये क्वालिफिकेशन जो होता है वो होता है क्राउन से नीचे का, तो फिर आप डायमंड वाला स्ट्रक्चर पकड़ लीजिएगा। अगर स्टार का होता है तो स्टार आपका बेस, जो भी आपका अप्रैल में लेवल क्वालिफाई होगा क्राउन डायरेक्टर्स, वही लेवल आपका बेस लेवल मान लिया जाएगा। ओके, सो अब मान लो कि हम क्राउन डायरेक्टर ही बेस पकड़ते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल आप कर लीजिए, या तो छह लेगे लोबी लगा करके अप्रैल में, और छह लेगे लोबी लगा के मई में आप अपने आप को बिल्कुल क्वालिफाई कर लीजिए, टेंशन फ्री, 12 एलओबी हो गई। ठीक है, यहां पर भी एलओबी लगा ली, 1 2 3 4 5 6 ये सब एलओबी है, और मई में भी आपने क्या कर लिया, 1 2 अब ये 6 ना समझो, 7 8 9 10 11 12 हो गया मई में क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं। और अगर हम 3 महीना लेकर के चले तो हम क्या कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो हम 4 लेग में एलओबी ले ले और तीनों महीने मेंटेन कर ले तो हो गई 12 एलओबी। 4 लेग में अगर हमने एलओबी ले ली और 3 महीने से गुणा कर लिया 12 एलओबी हो गई। या फिर हम क्या करें, पहले महीने हम 6 लाइन में एलओबी ले लिए, हालांकि जो पहले महीने अगर आपकी टीम अच्छी बनी है तो डेफिनेटली होगा, पर अगर थोड़ा सा इशू है, टीमें मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो पहले महीने आप कोई भी 3 लेग ले लीजिए, कोई भी 3 लेग में एलओबी लगा लीजिए, पहले महीने एलओबी हो गई, इधर एलओबी हो गई और इधर एलओबी हो गई, 1 2 3। ठीक है, ये आपका अप्रैल हो गया। उसके बाद क्या कर लीजिए, अप्रैल ये कर लीजिए, आप अपना इसको कर लीजिए अप्रैल, ये आपका हो गया अप्रैल। ठीक है, अब मई में क्या कर लीजिए, मई में इधर से फिर वापस से आप मई में कर लीजिए, इस लेग से भी एलओबी कर लीजिए, इस लेग से भी एलओबी कर लीजिए, इस लेग से भी एलओबी हो गई हमारी, वो तो करनी है, तो ये हो गया 4 5 6। ठीक है, और आप चौथी लाइन से भी एलओबी आप अप्रैल में कर लीजिए, मई में कर लीजिए एलओबी, तो ये हो गई 7। अब उसके बाद क्या करना है, जून के अंदर वो क्या करना है, यहां पर फिर हमें 8वीं एलओबी ले लेनी है इस लाइन से, 9वीं एलओबी फिर ले लेनी है ये वाली लाइन से, फिर 10वीं एलओबी ले लेनी है हमें इस वाली लाइन से, फिर 11वीं एलओबी ले लेनी है इस वाले लाइन से, और 5वीं लाइन से एक और एलओबी अगर हमने ले ली तो हमारा 12 एलओबी हो गया। तो तीनों कंडीशन हमने बता दी, 6 एलओबी करके 2 महीना कर लीजिए तब भी हो जाएगा, है ना, 4 4 एलओबी करके 3 महीना कर लीजिए तो 12 एलओबी हो जाएगी, और अगर 1 2 3 माने पहले महीने में 3, दूसरे महीने में 4, तो 4 3 7 हो गया, और तीसरे महीने में 5, तो मतलब थोड़ा प्रेशर हल्का सा लिया, फिर थोड़ा सा सब कुछ सही हो गया तो थोड़ा और बढ़ा लिया, फिर जून तक सब कुछ सही हो गया, कोरोना का इशू, मैं तो दुआ करूंगा कि बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तो आराम से हमारा हो सकता है, आराम से हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से इसके अंदर। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब एक क्राउन डायरेक्टर को एक्सक्लूसिव कितना करना है, तो 1500 PV एक्सक्लूसिव करना है, मतलब अगर तीनों महीने में हम कोई भी एक महीना भी 1500 PV कर लिए तो हमारा एक्सक्लूसिव वो काउंट हो गया। अगर हम चाहे तो 500 PV करके भी 3 महीना अगर करते हैं तो हमारा 1500 PV हो जाएगा, और अगर हम चाहें तो 1 महीने में 1000 PV कर लिए और 1 महीने में 500 PV कर लिया, हो गया 1500, और चाहे तो अप्रैल अपना सेल्फ हम लोग 100 PV कर रहे हैं, मान लीजिए 300 PV हमने कर लिया और सीधे जून में जाकर के हमने क्या कर लिया, मोटा मोटी 1200 PV अलग से कर लिया। तो मेरे ख्याल में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको पूरी ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर अपने सुपर अपलाइन के साथ बैठ करके एक बार जरूर बात करिएगा। 1% पोल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपकी टीम में आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा बंदा इस 1% पोल में बड़ी आसानी से आ सकता है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड क्राउन सबको, और उसके बाद उनके साथ आप प्लानिंग कर लीजिए कि कैसे कैसे वो कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अगर आपको ये आसान लगा है, आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मन करे तो मत करिएगा, मन करे तो लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, नहीं मन करे तो कुछ मत करिएगा, बस
अगर आपको ये सही लगा हो कैलकुलेशन, तो उस एक व्यक्ति के पास जरूर फॉरवर्ड करिएगा जो ये कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अशर अहमद है, निकनेम साहिल है, और मैं वेस्टीज में पिछले 5 साल से हूं, और अभी क्राउन डायरेक्टर का लेवल है मेरा, और बहुत ही हैंडसम इनकम मैं कर रहा हूं। मेरी टीमों ने कहा कि इसको मैं समझा दूं, तो मैंने समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।